टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग फ्यूचर फोन्स। आज दुनिया ने कितनी ज़्यादा प्रगति कर ली है, कितनी तेजी से एक टेलीफोन से कीपैड वाले फ़ोन पर आए और फिर अब टच वाले स्मार्टफोन का ज़माना चल पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात थी कि लोग कीपैड वाले फ़ोन चलाते थे, पर कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब आने वाले समय में फ़ोन और भी ज़्यादा बदलने वाले हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के 10 कमाल के फ्यूचर फोन्स के बारे में जो आप सभी के होश उड़ा देंगे। नंबर 1, ब्रेसलेट फोन। अभी तक हम लोग फोन को अपने हाथ में पकड़कर अपनी उंगलियों की मदद से चलाते हैं, पर अब ऐसे फोन पर काम चल रहा है जो कि कुछ ऐसा होगा। सीसरेट नाम की कंपनी एक काफी अजीब और हैरान कर देने वाले फोन को बनाने की फिराक में है। ये एक बैंड टाइप ब्रेसलेट की तरह होगा जो आप अपने हाथ पर पहन लेंगे, फिर जो है इस फोन की स्क्रीन आपकी फोरआर्म पर आ जाएगी और फिर आप इसे बिल्कुल एक रियल फोन की तरह ही अपनी उंगलियों से चला पाओगे। अगर फोन का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है। इस फोन को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको अपनी फोरआर्म को हिलाना होगा, बाकी का काम ये फोन खुद ही कर लेगा। अगर ये फोन कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये काफी कमाल का फ्यूचर फोन होने वाला है। तो देखते हैं कब ये फोन बनकर तैयार होगा। नंबर 2, सैमसंग गैलेक्सी S30 Plus। हाल ही में पता चला है कि सैमसंग अभी अपने एक नए स्मार्टफोन पर काम करने वाला है, जिसका डिजाइन कुछ अलग तरीके का ही है। ये सैमसंग फोन एक ऐसे डिजाइन में आएगा जो नीचे से गोल होगा, जिसके कारण इसे पकड़ने में काफी आसानी होगी, और ये डिजाइन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सोचा गया है। इस फोन की स्क्रीन 6.2 इंचेस बड़ी होगी और इसमें या तो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन या फिर एक्साइनोस चिपसेट लगाया जाएगा, और इस फोन में आपको 1 TB यानी कि 1000 GB तक का स्टोरेज मिलेगा। तो इसमें स्टोरेज की भी कोई समस्या नहीं होगी। इसकी कैमरा क्वालिटी भी काफी लाजवाब होने वाली है, क्योंकि इसमें क्वाड कैमरा सेटअप होगा, यानी कि 4 कैमरा, जिसमें 150 MP का मेन कैमरा होगा और इसकी बैटरी 6000 mAh की हो सकती है। अभी इसकी अनुमानित कीमत 75,000 से 1 लाख से भी ज्यादा तक होने की संभावना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर ये फोन कभी लॉन्च होता है तो क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट फोन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे ही फोन बनाने वाली कंपनियां अनोखे फोन की बनाने की सोच रही है। उसी में से एक है ट्रांसपेरेंट मोबाइल, जो की काफी ज्यादा चर्चे में है। सैमसंग काफी आगे की सोच रहा है और एक नए ट्रांसपेरेंट मोबाइल के आइडिया के साथ काम कर रहा है। हम सब जानते हैं सैमसंग हर बार कुछ नया लेकर आता है, और आज हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर है सैमसंग ट्रांसपेरेंट फोन। ये फोन की बॉडी और स्क्रीन ट्रांसपेरेंट होगी, यानी कि नॉर्मल LED स्क्रीन की जगह इसमें ट्रांसपेरेंट पैनल होगा। फोन चलाने के साथ ही आप इसमें से आर पार की चीजें भी देख पाएंगे। अभी इस फोन के एग्जैक्ट फीचर किसी को नहीं पता है। ये बोला जाता है इस फोन के निचले भाग में मेटल होगा, जिसमें सिम स्लॉट की जगह दी जाएगी। इस फोन में 6.2 इंचेस की OLED सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होगी और 8 GB रैम। ट्रांसपेरेंट फोन के बारे में सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर देखते हैं ये हकीकत में कभी बन पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ट्रांसपेरेंट फोन का बनना इम्पॉसिबल ही बोला है। वैसे दोस्तों, नीचे कॉमेंट करके बताना जरूर आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रांसपेरेंट फोन सच में कभी बन पाएगा या फिर नहीं। नंबर 4, LG Wing। अगर इस फोन को इस वीडियो में ना रखा जाए तो वो बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि इस फोन की बनावट बिल्कुल एक फ्यूचर फोन की तरह है। LG के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तो मार्केट में बहुत चर्चा है, पर पिछले कुछ सालों से LG स्मार्टफोन मार्केट में घुसने की ट्राई कर रही है। इसी वजह से LG एक ऐसे फोन के साथ में आया है, जिसकी वजह से शायद अब LG के स्मार्टफोन भी मार्केट में अपनी जगह बना पाए। LG Wing, जिसकी स्क्रीन की शेप एक तरह से विंग जैसी है। इस फोन में डुअल स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक स्क्रीन जो है रोटेट हो सकती है। इस स्क्रीन रोटेटिंग फंक्शन को देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे ये फोन किसी मूवी का हिस्सा हो। इसमें वायरलेस चार्जिंग और 8 GB रैम दी गई है, पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला इसका फीचर यही है कि ये 6.80 इंच बड़ी स्क्रीन रोटेटिंग फीचर के साथ में आता है। ये फोन लॉन्च भी हो चुका है, जिसकी कीमत इंडिया में करीब 60,000 की है। नंबर 5, TCL ट्राईफोल्ड। तो अब नंबर 5 पर आता है TCL ट्राईफोल्ड। TCL का ये डुअल फोल्डिंग कॉन्सेप्ट आने से पहले काफी चर्चे में है। ये फोन दो बार फोल्ड हो सकता है, एक बार बाहर से, एक बार अंदर की तरफ। अपने इस यूनिक फोल्डिंग फीचर की वजह से इस फोन को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अभी इस फोन पर काफी काम चल रहा है,
और ये सिर्फ एक फ़ोन का प्रोटोटाइप है। इस फ़ोन को जब अनफोल्ड कर दिया जाता है तो आपको मिलती है 10 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले विथ 3K रेजोल्यूशन। इस फ़ोन की बड़ी स्क्रीन में गेम खेलने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो अब बस वेट है इस प्रोडक्ट के मार्केट में आने का। देखते हैं कब तक TCL कंपनी इस फ़ोन को तैयार करके मार्केट में लॉन्च करने वाली है। नंबर 6, ZTE Hockey एक कमाल का फ़ोन है जिसे आप ज़रूर खरीदना चाहोगे। इस फ़ोन की सबसे विशेष बात है इसका एडहेसिव केस, जो कि किसी भी सरफेस पर चिपक जाता है। और इसके एक हैरान कर देने वाला फंक्शन ये भी है कि हमें अपने हाथों या उंगलियों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस फ़ोन में आई मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, जो फ़ोन के कंटेंट को हमारी आँखों के मूवमेंट की डायरेक्शन में घुमाता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। जैसे आपकी आई मूव करेगी, वैसे भी इस फ़ोन की स्क्रीन मूव करेगी। अगर आपकी आँख ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इसकी स्क्रीन भी ऊपर की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ आपकी आई मूवमेंट होगी तो इसकी स्क्रीन मूवमेंट भी जो है नीचे की तरफ होगी। इस फ़ोन में आपको 5.5 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी और 2 GHz का ओक्टा कोर स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर और 3GB रैम। तो देखते हैं कब ये फ़ोन मार्केट में आएगा, क्योंकि अभी इस फ़ोन का सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही तैयार किया गया है। नंबर 7, सैमसंग गैलेक्सी जीरो। तो अब इस लिस्ट में एक बार फिर से आता है सैमसंग का ये कमाल का जबरदस्त फ़ोन। सैमसंग के इस फ़ोन को देखते ही सीधा फ्यूचर ही दिखता है। इस फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी ही शानदार है। ये एक कंप्लीट बेजललेस फ़ोन होने वाला है और इसमें कोई भी नॉच नहीं होगा। इस फ़ोन की स्क्रीन 6.5 इंचेस की होगी और इसमें 10 और 12 GB रैम का ऑप्शन हो सकता है। इसमें या तो स्नैपड्रैगन या फिर एक्साइनोस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें आपको 1000 GB तक की स्टोरेज होगी। इस फ़ोन की एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट दिसंबर 2025 दी गई है। नंबर 8, लेनोवो सी प्लस। अगले नंबर पर है लेनोवो सी प्लस। इस फोल्डेबल फ़ोन के ज़माने में लेनोवो ने ऐसा फ़ोन लाने का वादा किया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। बेंडेबल फ़ोन जो कि बेंड होकर आपकी रिस्ट पर बैंड की तरह शेप ले लेता है। पर हालांकि कंपनी अभी इसे पूरी तरह से बना नहीं पा रही है, क्योंकि जब इस फ़ोन के प्रोजेक्ट को पहली बार दिखाया गया था तब इसे बैंड करते ही इसकी डिस्प्ले पर क्रैक के निशान आ जाते थे। इसीलिए अभी वेट किया जा रहा है एक ऐसे आइडिया या फिर तरीके का जिससे इसके अंदर के पार्ट्स भी बेंडेबल बनाए जा सके। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या लेनोवो ये बताए गए आइडिया को हकीकत में बदल पाएंगे या फिर नहीं। क्या ये फ़ोन कभी असल ज़िंदगी में लॉन्च हो पाएगा या फिर नहीं। नंबर 9, हुआवे मेट एक्स। अगले नंबर पर बात करते हैं हुआवे मेट एक्स। अगर आप सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन लेकर बोर हो गए हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हुआवे का ये फ़ोन फोल्डेबल है, जिसके कारण इसे एक फ़ोन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और 8 इंचेस बड़े टैबलेट की तरह भी। इस फ़ोन की रैम 8GB होगी और साथ ही दोस्तों इस फ़ोन में आपको 512GB तक का स्टोरेज मिलेगा। इस फ़ोन की बॉडी बहुत पतली है और जब आप इसे फ़ोन से टैबलेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो अब इस स्क्रीन पर कोई नामोनिशान नहीं दिखता है। और इसके फ़ोटो लेने का फीचर सबसे ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि आप एक ही कैमरे से सेल्फी और सिंपल फ़ोटो भी ले सकते हैं। अभी ये फ़ोन सब मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है, पर आशा करते हैं जल्दी ये सारी मार्केट्स में आ जाएगा। और इसकी अनुमानित कीमत 1.5 से 2 लाख बोली जा रही है। नंबर 10, आईफोन फोल्ड। आज के आखिरी नंबर पर आता है आईफोन फोल्ड। सैमसंग और बाकी कंपनीज के तो काफ़ी फोल्डेबल मॉडल्स आ चुके हैं, पर अब इस लिस्ट में आईफोन भी जुड़ चुका है। आईफोन क्यों पीछे रहे, आईफोन भी जल्दी अपना कोई फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च कर सकता है। ये फ़ोन काफ़ी स्टाइलिश और फोल्डेबल होने के साथ साथ इसमें क्वाड कैमरा भी होगा। ये आईफोन यूज़र्स के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि अब उन्हें फोल्डेबल फ़ोन्स के लिए सैमसंग नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि एप्पल खुद अपने फोल्डेबल फ़ोन्स को मार्केट में ला सकता है। इसकी कीमत और बाकी ढेरों सारे नए फीचर्स तो इसके आने पर ही खुलासा होगा। ये कब आएगा ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक आईफोन ने ऑफिशियली कभी भी नहीं दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।